पटना में ई चालान से काफी लोग परेशान हैं। जिस तरह से एक दिन में एक ही वाहन के 3 या 4 बार चालान काटा जा रहा है, इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। इसका विरोध करते हुए बीजेपी के नेता कृष्ण कल्लू ने आज पटना के बांसघाट पर नीतीश कुमार की तस्वीर लेकर मोटरसाइकिल का ही दाह संस्कार कर दिया। कृष्ण कल्लू ने कहा कि पटना के बांसघाट पर डेथ बॉडी जलाए जाते हैं, लेकिन आज बिहार सरकार का यह जो सिस्टम है, जो लोगों को परेशान कर रहा है, को लेकर मोटरसाइकिल का दाह संस्कार कर दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह के नियम को बदला जाए, जिसमें एक ही दिन में कई बार चालान काटे जा रहे हैं। उनकी बात नहीं मानी गई तो आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। बिहार सरकार के सिस्टम का आज हम लोगों ने पटना के बांसघाट पे दाह संस्कार किया है मोटरसाइकिल वाहन। जिस तरीके से एक व्यक्ति का एक दिन में 5-5 बार चालान काटा जा रहा, कहीं ना कहीं लोग इससे परेशान हैं, चाहे वो दैनिक मजदूर हों, पत्रकार हों, छात्र हों, छात्राएं, नौजवान, सभी लोग इससे आहत हो चुके हैं। और निश्चित तौर पे आज राज्य सरकार के आईने को हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया और दिखाया है कि किस तरीके से सिस्टम से लोग परेशान हैं। और हम लोगों ने आज मोटरसाइकिल वाहन का दाह संस्कार पटना के घाटों पे किया है, बांसघाट पे, जहाँ पे मुर्दे जलाए जाते हैं, और हम लोगों ने आज इसको जलाने का कार्य किया। निश्चित तौर पर राज्य सरकार इससे जागेगी, मुझे भरोसा है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग आगे लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। आंदोलन और तेज होगा, और कमजोर होगा और तेज। जिस तरह से जो चालान को लेकर जो सिस्टम नया आया है, उसको लेकर काफी विरोध भी सड़कों पर देखने को मिल रहा है। आप पत्रकार बंधु हैं, हर व्यक्ति त्रस्त है इस यातायात कानून से ही, तो निश्चित तौर पे हम लोग यह माध्यम से या एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को जगाने और आईना दिखाने का कार्य कर रहे हैं। और इस पूरे नियम में कहीं ना कहीं बदलाव चाहिए, इसलिए हम लोगों ने आज इस कार्यक्रम को दिखाने का प्रयास किया। नाम बताइए। कृष्णा पर्सन।